बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईद आपके साथ 12 अप्रैल 2023 की ट्रेन अपडेट्स शेयर कर रहा हूँ। रहीमयार खान में 41 अप 42 डाउन काराकोरम एक्सप्रेस का 1 महीने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे स्टॉप अलाउ किया गया है। मिनिस्ट्री रेलवे से इन दो ट्रेनों की जो सिफारिश की गई है, वहाँ से जैसे ही अप्रूवल आती है या इम्प्लीमेंटेशन होता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी ट्रेन जो है वो 5 अप 6 डाउन है, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जिसका बुकिंग कोटा और इसका स्टॉप जो है वो रहीम हर हर में अलाउ किया जाएगा। दूसरी अपडेट ये है कि पाकिस्तान रेलवे ने 12 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें एसी पार्लर का फेयर जो है वो रिवाइज किया गया है, और ये रिवाइज्ड फेयर एसी बिजनेस से 10% लेस होगा, और 1 मई 2023 से ये ट्रेन जो है ऑपरेशनल हो जाएगी। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर 5 ट्रेनें जो हैं वो स्पेशल चलाने का फैसला किया, जिसमें से पहली ट्रेन जो है वो 18 अप्रैल को कराची से पिशावर के लिए, हरिक ब्रिज भी 2-3 दिन में ऑपरेशनल होने वाला है, और फिर कोयटा के लिए ट्रेनें जो हैं वो अवेलेबल होंगी, जबकि दूसरी ट्रेन कोयटा टू रावलपिंडी ये भी 18 अप्रैल को चलेगी। इन तमाम ट्रेनों का शेड्यूल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें हर स्टेशन का स्टॉप और टाइमिंग दी गई। तीसरी ट्रेन 19 अप्रैल कराची टू लाहौर, जबकि चौथी ट्रेन 26 अप्रैल को फ्रॉम रावलपिंडी टू क्वेटा, और पांचवी ईद स्पेशल 27 अप्रैल को फ्रॉम लाहौर टू कराची। व्यूअर्स, ये अपडेट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें।